हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा डक रेसिपी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत आसानी से आप इसे अपने घर पे बना सकते हैं। ये चटपटा टाइप का हमने बनाया है फ्रेंड्स। हमने एक डक लिया है मार्केट से, इसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसका पंख वगैरह हम निकाल लेते हैं। अब इसे आग में डालेंगे ताकि हल्का फल्का जो पंख वगैरह रह गया है वो अच्छी से निकल जाए। थोड़ा बहुत पंख और रह गया है, उसे भी वापस से हम जला करके साफ कर लेंगे। ये आसपास का व्यू है, मिट्टी का मकान, पास में पहाड़। अब इसे हम पानी में अच्छे से साफ करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस में कटिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। कढ़ाही में डालेंगे सरसों तेल, तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे साबुत जीरा और साबुत गोलकी। दो से चार तेज पत्ता। बारीक कटा हुआ अदरक। छिला हुआ लहसुन की कलियां। दो से तीन गोटा लहसुन भी हम इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे तीन से चार लाल मिर्च। आप देख सकते हैं लहसुन बिल्कुल अच्छे से भुंजा गया है। अब इसमें प्याज डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। प्याज को हल्का लाल होने तक हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल अच्छे से भुंजा गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे मीट। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। मिर्च पाउडर। मीट भुंजा रहा है तब तक हम खड़ा गरम मसाला को कूट लेते हैं।
आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये बिल्कुल अच्छे से भुना चुका है। अब इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। पानी हम उतना ही डालेंगे जितना में मीट अच्छे से पक जाए। इसमें एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसे थोड़ा हम चला लेते हैं। इसी तरह हम इसे 45 से 50 मिनट के लिए पकने देंगे। पचास मिनट के आसपास हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसे हम चूल्हे से उतार लेते हैं। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आप इसे रोटी के साथ, लिट्टी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। वैसे हम लोग इसे लिट्टी के साथ खाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, मस्ती में रहिए।